हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। सो 950,000 रुपये में जो ये गाड़ी आपको फीचर्स ऑफर करती है, वही सेम फीचर्स आपको कोई बड़ी प्रीमियम एसयूवी में 20 लाख रुपये मिलता है। मैं बात करूँ क्रेटा, सेल्टोस, हाई राइडर या फिर ग्रैंड विटारा की। यहाँ पे डिजिटल क्लस्टर, बोस का बहुत ही बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम विद सब वूफर अवेलेबल है। साथ में आपको डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, नेविगेशन एंड पेडल लैंप, ऑटोमेटिक ORVMs। तो यहाँ पे सारी फीचर्स अवेलेबल है। इवन रियर में आर्मरेस्ट मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग एंड जो फीचर का आप नाम लेंगे वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी गई है। सो इतने सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और i20 का ये है टॉप ऑफ द लाइन फुली लोडेड ट्रिम, जो इसका एक शोरूम प्राइस है दैट इज 9,50,000। और इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। साथ में इस प्राइस में और कौन कौन सी गाड़ी के कौन कौन से मॉडल मिल जाते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो में। तो ये बहुत ही डिटेल वीडियो रहने वाली है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो लेट्स गेट ऑन टू इट। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ ऐसी आपको यहाँ पे की मिल जाती है लॉक अनलॉक बूट एंड ये कार को लोकेट करने के लिए, एंड क्रेटा, सेल्टोस या फिर वर्ना की तरह यहाँ पे जैसे रिमोट इंजन स्टार्टर अवेलेबल नहीं है। उसमें क्या होता है, गाड़ी की चाबी से ही आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं, वो फीचर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप मोबाइल ऐप से या फिर स्मार्ट वॉच से कार को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं, प्री हीट एंड प्री कूल कर सकते हैं। सो ऊपर आपसे शेयर करते हैं इस गाड़ी में और क्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों, दिस इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग लुकिंग हैचबैक इन द सेगमेंट। यहाँ पे जो कट्स एंड क्रीजेस दी गई है, जो यहाँ पे शार्प लाइन यूज़ करी गई है, जो स्पोर्टी कैरेक्टर आपको यहाँ पे मिलता है, इट इज प्रॉपर यूथ ओरिएंटेड व्हीकल। और काफ़ी स्टाइलिश लगती है ये हर नुक एंड कॉर्नर से। तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसी बिग साइज़ की फ्रंट में पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिलेगी। थोड़ी बहुत ये जो मिट्टी वगैरह है कैच कर जाती है, बट इट लुक्स सुपर स्टाइलिश। और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में स्किड प्लेट मिलेगी। देन यहाँ पे जो हेडलैम्प दिए गए हैं, यहाँ पे कॉर्नरिंग फंक्शन अवेलेबल है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प है ये, फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन मिलेगा। फुल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प अवेलेबल है एंड हाई बीम एंड लो बीम यहाँ पे LED प्रोजेक्टर में ही दी गई है। साथ में यहाँ पे हेलोजन में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। डेटम रनिंग लाइट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। और एयर कर्टन यहाँ पे दिया गया है ताकि हाई स्पीड पे आपको स्टेबिलिटी मिले और माइलेज काफ़ी इंक्रीज हो सके। और प्रोजेक्टर हेलोजन फॉग लैम्प अवेलेबल है। इसी के साथ दोस्तों ये है साइड प्रोफाइल। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती है। और इवन साइड में भी यहाँ पे साइड स्कर्टिंग अवेलेबल है पियानो ब्लैक फिनिश में, i20 की बैजिंग। तो कमाल की अटेंशन जो डिटेल दी गई है। यहाँ पे आप शोल्डर लाइन भी देख सकते हैं, बहुत ही शार्प और बहुत ही स्पोर्टी। अगेन ये है 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन आपको ठीक ठाक स्पोर्टी यहाँ पे मिल जाता है। 195/55 सेक्शन टायर दिए गए हैं R16। साथ में ये है विंग मिरर्स, यहाँ पे इसके नीचे आपको पेड लैम्प मिलेगा विच इज़ इन LED एंड ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स दिए गए हैं। साथ में वेलकम फंक्शन भी अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है वेलकम फंक्शन। और इसी के साथ यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाती है। यस गाइस, यहाँ पे एक सनरूफ अवेलेबल है, शार्क फिन एंटेना मिल जाएगा, यहाँ पे क्वार्टर ग्लास और कंप्लीट क्रोम फिनिश आपको विंडोज़ के पास मिलेगी। क्रोम डोर हैंडल भी अवेलेबल है, हैंडल का डिज़ाइन भी जो है वो बहुत ही स्पोर्टी है। और ये है रियर लुक। और दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कोई कार प्लान करिए परचेज करने का, आपको डिस्काउंट एंड ऑफर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि डीलर टू डीलर जो डिस्काउंट है वो भी वेरी करते हैं, हर वीक हर मंथ जो डिस्काउंट एंड ऑफर्स है वो अपडेट होते रहते हैं। और इवन कई बार तो जो इंश्योरेंस पे डिस्काउंट्स है वो हर डे अपडेट होते रहते हैं। और इवन जो डीलर्स हैं वो 40-50% ज़्यादा आपसे कई बार इंश्योरेंस चार्ज कर लेते हैं। एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है गाइस ऑफर्स एंड डिस्काउंट, जेन्युइन आपको कोई भी नहीं बताता। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे अपना नेम, नंबर एंड ईमेल एड्रेस आप सेंड करेंगे तो वी विल सेंड यू अ मेल जिसमें कार के डिस्काउंट्स एंड ऑफर होंगे, एग्जैक्ट क्या क्या चल रहे हैं, ताकि आपके साथ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड हो क्या क्या आपको एक्चुअल में डिस्काउंट एंड ऑफर अवेल करने। इसी के साथ आपको किसी भी कार की सर्विस कॉस्ट चेक करनी है, वो मेंशन है हमारी वेबसाइट के ऊपर। हर एक कार की एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट, वो भी लेबर कॉस्ट के साथ अप टू 10 ईयर्स तक की, क्या एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट है ताकि आपसे यहाँ पे डीलर ज़्यादा चार्ज ना कर ले, तो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेक श्योर टू चेक द डिस्क्रिप्शन। सो बिफोर गोइंग अहेड इन दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वो है एक ऐप एंड एक वेबसाइट विच इज़ इंडियाज लीडिंग एंड वेरी वेरी ट्रस्टेड, तो वो है Bodmo.com। Bodmo.com से काफ़ी कुछ मैं भी ऑर्डर करता हूँ। यहाँ पे आपको सारी एसेसरीज मिल जाती हैं, स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, बजट कार से लेकर लग्जरी कार तक के सबके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं। आप घर बैठे कोई भी स्पेयर पार्ट एसेसरी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर वो आपके कार में फिट नहीं आता तो विद इन 10 डेज आप रिटर्न भी कर सकते हैं।
सो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार यह वेबसाइट जरूर विजिट करें। यहाँ पे सारी एसएसटी स्पेयर पार्ट्स बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्राइस में अवेलेबल है एंड इट इज सुपर रिलायबल एज वेल। एंड नाउ बात करते हैं i20 की रियर लुक के बारे में, विच इज सुपर स्ट्राइकिंग। तो रियर लुक भी आपको बहुत ही स्पोर्टी मिलती है। रियर में यहाँ पे डिफ्यूजर अवेलेबल है, अगेन लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। साथ में रियर में स्पॉइलर अगर होता तो और भी ज़्यादा बेटर रहता। स्पॉइलर आप बाद में आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं 5000 में। यहाँ पे एक्सटेंशंस दिए गए हैं। रियर में वाइपर अवेलेबल है, डिफॉगर आपको मिल जाता है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश स्लैट, क्रोम फिनिश और यहाँ पे LED टेल लैंप अवेलेबल है। अगेन काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं ये। दो रियर में सेंसर्स मिलेंगे AC के साथ। यहाँ पे लाइसेंस प्लेट की लाइट्स हेलोजन में और यहाँ पे ग्रैब एंड लो अवेलेबल है। यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट और ये है टोटल बूट स्पेस। बाकी राइवल कार्स का जो बूट स्पेस है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पे जो लोडिंग लिप है वो हल्का सा हाई मिलेगा एंड यहाँ पे आपको बोस का सब ऑफर मिलता है जिसकी साउंड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इधर देखेंगे तो यहाँ पे एक लैम्प और ग्रॉसरी हुक, इसको उठाते हैं तो यहाँ पे स्पेयर टायर है जो कि टेम्परेरी स्पेयर टायर है। तो नॉर्मल स्टील व्हील मिलता है और इसका साइज़ जो है वो है 185/65 R50। तो 80 की स्पीड से ऊपर आप इसको नहीं चला सकते। और i20 में यहाँ पे आप कोई 60-40 स्प्लिट फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो बेंच फोल्डिंग सीट्स ही आपको मिलती है। चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स तो दिए गए हैं, वो अच्छी बात है। और सीट्स को डाउन कर लेते हैं तो ये है i20 का टोटल बूट स्पेस। और इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। सो यहाँ पे आपको 3 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। बहुत ही वैरायटी ऑफ इंजन ऑप्शन हुंडई ऑफर करता है अपनी हर एक कार में। सो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। मैनुअल गियरबॉक्स और IVT गियरबॉक्स अवेलेबल है जो कि बेसिकली है CVT गियरबॉक्स। एंड 1 लीटर आपको यहाँ पे टर्बो पेट्रोल इंजन में मिलेगा जिसमें आपको IMT का ऑप्शन मिल जाता है और DCT का ऑप्शन मिल जाता है। देन यहाँ पे 1.5 लीटर डीजल इंजन भी अवेलेबल है जिसमें आपको मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा बट ऑटोमेटिक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एंड जो आपको मॉडल वाइज इंजन ऑप्शन मिलते हैं यानी कि कौन कौन से मॉडल में कौन कौन से इंजन ऑप्शन अवेलेबल है कौन कौन से गियर बॉक्स के साथ वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे कोई साउंड एंडिंग मटेरियल यूज़ नहीं करा गया। इधर वहाँ पे फायरवॉल पे यूज़ करा गया और जो अंडरबॉडी कवरिंग है वो भी आपको साइड्स में मिलती है, फुल कवरिंग यहाँ पे नहीं दी गई। और अब बात करते हैं कुछ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। फिर चेक करेंगे इस गाड़ी के इंटीरियर्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर देंगे। तो i20 के इस टॉप एंड मॉडल का ऑन रोड प्राइस वर्सेस जो राइवल कार्स के ऑन रोड प्राइस है टॉप मॉडल के वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट कंपैरिजन। और इस टॉप एंड मॉडल में आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स। और i20 में 5 सिंगल टोन कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं जो है सिल्वर, ग्रे, स्टेरी नाइट, वाइट एंड रेड कलर। और 2 आपको यहाँ पे डुअल टोन कलर्स मिल जाते हैं। तो कीज़ आपके हैंड में है या फिर पॉकेट में, जस्ट आप कार को अप्रोच करेंगे विदाउट इवन अनलॉकिंग द कार तो ऑटोमेटिकली ORVM ओपन हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वेलकम फंक्शन। एंड ऑटो फोल्डिंग ORVM भी अवेलेबल हैं। साथ में जो रिक्वेस्ट सेंसर है यानी कि स्मार्ट कीलेस एंट्री वो सिर्फ आपको ड्राइवर साइड मिलेगी, पैसेंजर साइड अवेलेबल नहीं है। सो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, पेडल लैम्प जो है वो ग्लो हो जाता है एंड ऐसे हम अनलॉक कर सकते हैं। दिस इज स्मार्ट कीलेस एंट्री, इंजन पुश स्टार्ट बटन, वेलकम फंक्शन, कीज को यहाँ पे रख देते हैं। एंड नियर बाय जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे आप नेविगेट कर सकते हैं। नियर बाय जो रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल हैं, सब जगह आप यहाँ पे आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं। एंड ये है डैशबोर्ड की लुक। ऑल ब्लैक इंटीरियर्स दिए गए हैं विच लुक्स वेरी वेरी स्पोर्टी। और यहाँ पे फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री अवेलेबल है इस मॉडल में, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट, साथ में यहाँ पे सनरूफ, बहुत ही क्विक ओपन हो जाती है सनरूफ और मैक्सिमम ये इतनी ओपन होती है तो काफ़ी वाइड ओपन हो जाती है विच इज़ अ गुड थिंग दोस्तों। और ये है फ्रंट डोर, यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी अवेलेबल है। यस दोस्तों इस मॉडल में एम्बिएंट लाइट मिलेगी, यहाँ पे दी गई है एम्बिएंट लाइट जो कि डे टाइम में इतनी विजिबल नहीं है लेकिन कंप्लीट यहाँ पे एम्बिएंट लाइट मिलती है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट अवेलेबल है और इवन सेंटर कंसोल में वहाँ पे भी एम्बिएंट लाइट दी गई है। ऑल्सो
ORVM controls, power door lock switch, all four power windows, driver side auto down and auto up. साथ में सिर्फ ये वाला कंट्रोल जो है वो इल्यूमिनेटेड मिलेगा, बाकी सारे जो स्विचेस है वो इल्यूमिनेटेड नहीं है. यहाँ पे ट्विटर्स, स्पीकर्स Bose के, एंड यहाँ पे देखेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. ये है ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, साथ में हेडलैम्प लेवलर, और इसको भी क्लोज कर देते हैं. यहाँ पे फ्रंट आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट को आप आगे करेंगे आराम से, हाथ रख के गियर शिफ्ट कर सकते हैं. कुशन आर्मरेस्ट दी गई है और अंदर आपको जो स्पेस है अच्छा मिल जाता है. साथ में ये है एयर प्यूरीफायर, AQI शो कर रही है, ऐसे बंद कर सकते हैं इसे आराम से. यहाँ पे कप होल्डर स्पेस, एंड दिस इज द गियर नॉब लेदर, आप गियर नॉब दी गई है, रिवर्स गियर स्लॉट करेंगे. दिस इज द रियर व्यू कैमरा, सेंसर का डिस्प्ले आपको यहाँ पे भी मिलेगा MID में, और यहाँ पे भी मिलता है कैमरे का डिस्प्ले. टॉप डाउन व्यू, गाइडलाइंस अडैप्टिव हैं, तो जैसे स्टीयरिंग मूव करते हैं तो वैसे गाइडलाइन मूव हो जाती है, तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि गाड़ी कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है. और यहाँ पे वायरलेस चार्जर, वहाँ पे आप देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट जो कि बहुत ही कूल लगती है. साथ में यहाँ पे ये दो पोर्ट्स दिए गए हैं USB के, एंड साथ में USB चार्जर विच आर इल्यूमिनेटेड. साथ में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, और ये है AC कंट्रोल्स, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम. AC यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है, बहुत ही जल्दी कूल कर देता है. साथ में लुक एट द फिट एंड फिनिश गाइस, बहुत ही एक्सेलेंट फिट एंड फिनिश क्वालिटी दी गई है. जो बटन्स हैं, एवरीथिंग फील सो प्रीमियम, लगता है कि आपने स्पेंड करे हैं 10-12 लाख रुपीज़, तो डेफिनेटली वो फील होता है. एंड ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. USB के थ्रू आप वीडियो प्ले कर सकते हैं. इनबिल्ट नेविगेशन मिलेगी, प्रॉपर टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, तो आपको ये शो करेगी किस कट से आपको जाना है, कौन सा एग्जिट लेना है, फ्लाईओवर से जाना है, फ्लाईओवर के नीचे से जाना है. कंप्लीट डिस्प्ले मिलता है, नियर बाय पेट्रोल पंप वगैरह भी लोकेट कर देती है. एंड जैसे आपने नेविगेशन में रास्ता डाल रखा है कि आपको स्ट्रेट जाना है, तो जो स्ट्रेट आगे आने वाले आपके रास्ते में पेट्रोल पंप है वो भी आपको बताएगी, जो आउट ऑफ योर रूट है वो भी पेट्रोल पंप बताती है. तो काफ़ी कन्वीनियंट है नेविगेशन यहाँ पे. देन ब्लूलिंक अवेलेबल है, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, जो व्हीकल की इन्फॉर्मेशन है वो सब आपके स्मार्टफोन पे आ जाती है, तो काफ़ी सारे कनेक्टेड कार फीचर्स अवेलेबल है. ऑल्सो ये सिस्टम सपोर्ट करता है रेडियो, USB एंड ब्लूटूथ को. इसी के साथ यहाँ पे 4 स्पीकर्स, 2 फ्रंट वीटर्स अवेलेबल है, एक सब ऑफर आपको मिलेगा विद एम्पलीफायर, एंड Bose की साउंड क्वालिटी दी गई, और बहुत ही ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी है यहाँ पे. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द एम्पलीफायर. एंड अगर आप म्यूज़िक सुनने का शौकीन हो या फिर आपको अच्छा लगता है म्यूज़िक सुनना, तो यू विल लव दिस सिस्टम, बहुत ही अच्छा दिया गया. एंड देन यहाँ पे बिग साइज है ग्लव बॉक्स विद कूलिंग फंक्शन, बहुत ही बिग साइज का है ग्लव बॉक्स, सो प्रैक्टिकलिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे. ओवरऑल काफ़ी सारे स्टोरेज एरियाज अवेलेबल हैं यहाँ पे. वैनिटी मिरर, देन ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे होता तो ज़्यादा बेटर रहता. डे एंड नाइट यहाँ पे IRVM दिया गया. SOS, RSA और ब्लूलिंग स्विचेज हैं, यानी कि टेलीमेटिक स्विचेज एमरजेंसी के लिए. सनग्लास होल्डर फ्रंट में, हेलोजन लैम्प, अगेन LED होती तो ज़्यादा बेटर होता. और इसी के साथ यहाँ पे टॉल सीट होल्डर, और ये है स्टीयरिंग व्हील के लुक. सो दिस इज द स्टीयरिंग व्हील लेदर आप दिया गया, काफ़ी अच्छी ग्रिप ऑफर करता है. यहाँ पे टिल्ट, टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, और यहाँ पे कुछ ऑडियो कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं. यहाँ पे आपको MID कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल मिलेंगे, वाइपर के कंट्रोल्स एंड हेडलैम्प के कंट्रोल्स, 2 वाइपर वॉशर जो कि स्कैटर्ड स्प्रे करती है, काफ़ी अच्छी तरह से वाइपर वर्क करते हैं नो डाउट. एंड ये है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है. सो एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू MT, इंजन रनिंग टाइम, डुअल ट्रिप कंप्यूटर ये शो कर रहे हैं, ट्रिप बी और ये है ट्रिप ए, और ये एवरेज नेविगेशन आपको मिलेगी. प्रॉपर टर्न बाय टर्न यहीं पे शो कर देगा, कितने मीटर्स के बाद आपको टर्न लेना है, लेफ्ट राइट या स्ट्रेट जाना है, सब कुछ यहीं पे शो हो जाएगा. देन TPMS का भी डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाता है. आउटसाइड टेम्परेचर, गियर, शिफ्ट इंडिकेटर, सो एवरीथिंग यू गेट ओवर हियर. कोई भी डोर ओपन होगा उसकी आपको वार्निंग मिलेगी, बोनेट की वार्निंग भी आपको यहाँ पे मिल जाती है. सो तो यहाँ पे जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो बहुत ही कमाल के हैं. 20 लाख SUV में क्रेटा सेल्टोस में जो फीचर्स अवेलेबल है वही यहाँ पे दिए गए हैं. सो जैसे TPMS है, काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है, वो भी आपको मिल जाता है. यूटिलिटी के हर एक फीचर के अलावा यहाँ पे कंफर्ट फीचर्स सारे अवेलेबल हैं, वायरलेस चार्जिंग से लेके एवरी फीचर यू गेट, एम्बिएंट लाइट,
और ये है रियर डोर, यहाँ पे कोई एम्बियंट लाइट नहीं मिलेगी बट यू गेट बॉटल होल्डर ओवर हियर, साथ में वो इसका स्पीकर। पावर विंडोज जो हैं वो रियर की एल्यूमिनेटेड नहीं है। और ये है रियर सीट्स, दो हेडरेस्ट आपको मिलती है सेंटर में, आर्मरेस्ट, कप होल्डर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, होते तो ज़्यादा बेटर रहता। और फ्रंट सीट के बैक पे इधर पॉकेट नहीं दी गई, इधर आपको मिल जाती है, सीट कवर आप लगवाएंगे तो दोनों साइड वैसे भी मिल जाएगी एनीवेज। और ये है रियर एसी वेंट, वेंट का जो फ्लो है वो अच्छा है। देन यहाँ पे मोबाइल पॉकेट होल्डर, एक यूएसबी चार्जर, यहाँ पे ग्रैब हैंडल विदाउट कोट हैंगर, यहाँ पे ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, सेंटर में एक हेलोजन लैम्प। और यहाँ से हम अपनी हाइट के हिसाब से सीट बेल्ट को एडजस्ट भी कर सकते हैं, 6 एयर बैग्स गाइस। और ये है डैशबोर्ड के लुक। एंड मेक श्योर दोस्तों, जो भी ऑफर एंड डिस्काउंट चल रहे हैं, जो भी करंट मार्केट में न्यूज़ वगैरह चल रही है, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन। फटाफट से नीचे जो फॉर्म दिया गया है उसको सबमिट कर दे, अपना नेम, नंबर एंड मेल आईडी डाल के, एंड जो आपकी कार की प्रेफरेंस है।